हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील मगेल, फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी एज के हो। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे शरीर की संरचना किस तरीके से बनी हुई है, और इसमें आज हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, जिसमें जॉइंट और मसल्स इन्वॉल्व है, और हमारे शरीर को फिट रखने के लिए इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताऊंगा, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिन्हें हमें दिन में एक बार करना बहुत जरूरी है, और हम आज बात करने वाले हैं रेंज ऑफ मोशन की। जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स पर पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन होती है। हर एक जॉइंट्स का एक रेंज फिक्स होता है कि किसे कितनी डिग्री मूवमेंट करना चाहिए, या कौन सा जॉइंट कितनी डिग्री मूव हो सकता है। जैसे एल्बो में, शोल्डर में, नी में, हिप में, हर जगह जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन होती है, और जो हर एक पर्सन की सेम होती है। इसलिए हमें दिन में कम से कम एक बार उस जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से हमें स्टीफनेस के केसेस, जॉइंट पेन के केसेस देखने को मिल रहे हैं, ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए भी हमें आज से प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे सबसे कॉमन है नी पेन, शोल्डर पेन, हिप पेन, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, इस तरीके की प्रॉब्लम आप देखेंगे। ये क्यों हो रही है? क्योंकि जॉइंट में स्टिफनेस आती है, फुल रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट नहीं हो पाता है। कब? जब आपको दर्द हो जाता है। इसलिए कम से कम दिन में एक बार समय निकाल करके 5 मिनट में सारे जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन पे आप वर्क कर ले, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन पे मूवमेंट करते ही नहीं है कितने समय तक, और जब कभी कभार वो पर्टिकुलर मूवमेंट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मूवमेंट उनसे हो ही नहीं रहा है या रिस्ट्रिक्शंस है। बहुत सारे लोग जमीन पे कई महीनों तक नहीं बैठते, और अचानक जब वो बैठने की कोशिश करते हैं तो उनको बैठने में तकलीफ होती है, उनके घुटने सही तरीके से फ्लेक्स नहीं होते, या अनइजी फील करते हो बैठने में। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग जब ओवरहेड अबडक्शन करते हैं, शोल्डर को ऊपर ले जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है, फुल रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट वो नहीं कर पाते हैं, कई बार उनको स्टिफनेस भी फील होती है। फ्रोजन शोल्डर भी कहीं ना कहीं जब हमें 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद पता चलता है कि जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं तो आपकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, पेन होने के कारण आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण रिस्ट्रिक्शन होता है और आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग बैक एक्सटेंशन नहीं करते हैं, बहुत रेयर होता है कि वो बैक एक्सटेंशन करें। हमेशा आप आगे की तरफ झुकते हो, पर पीछे की तरफ झुकना आपका नहीं हो पाता है, ना आपको इस तरीके का कोई काम पड़ता है कि उसे उस मूवमेंट को आपको एग्जीक्यूट करना पड़े। इसलिए आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक को लेकर है कि कम से कम आप अपने रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहे और रेंज ऑफ मोशन के कारण आपके जॉइंट की मोबिलिटी भी मेंटेन रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सर्वाइकल से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें अपने सर्वाइकल रीजन को रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट करना है। इसके लिए नॉर्मली आप राइट मूवमेंट करें, इस तरीके से जितना हो सके जाए मूवमेंट। एक बार इधर कर लिया आपने, एक बार इधर कर लिया आपने, फुल रेंज ऑफ मोशन में जितना हो सके। आपको हल्का सा स्ट्रेच भी करना है तो भी चलेगा। इसके बाद आप अप मूवमेंट करें, इसके बाद आप डाउन मूवमेंट करें। ये हो गया आपका नेक मूवमेंट, और ये एक एक बार ही कर लेंगे तो भी चलेगा, दिन में एक बार ये जरूर करें। इसके बाद अब हम आते हैं शोल्डर पे। तो शोल्डर पे भी मैं आपको बता दूं कि हमारे शोल्डर में अबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, सर्कमडक्शन होता है। ये जितने भी मूवमेंट होते हैं शोल्डर जॉइंट में होते हैं हमारे, इसलिए इसको भी आपको करने की जरूरत है। इसमें आपका ये फ्लेक्शन हुआ, ये एक्सटेंशन हुआ, ये ओवरहेड अबडक्शन हुआ, और इसके बाद ये आपका सर्कमडक्शन हुआ। इसमें बहुत सारे लोग जो शोल्डर मूवमेंट भी करते हैं तो सर्कमडक्शन के लिए वो इस तरीके से मूवमेंट भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि फ्लेक्शन मूवमेंट ये, एक्सटेंशन ये, अबडक्शन ये, एडक्शन ये, और सर्कमडक्शन पूरे शोल्डर को रोटेट करना। इसके बाद आप एल्बो जॉइंट में फुल रेंज ऑफ मोशन में अपने हाथ को स्ट्रेच करें, एल्बो का एक्सटेंशन करें इस तरीके से। अपोजिट साइड से भी आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। नॉर्मली आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया। अब आते हैं हम रिस्ट जॉइंट पे। तो रिस्ट जॉइंट पे भी आपका फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, रेडियल डेविएशन होता है, और अल्नर डेविएशन होता है। तो इसे भी आपको परफॉर्म करना है, इसके साथ आपका
क्लॉकवाइज जो सर्कमडक्शन होता है ये भी होता है उसमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें भी आपके जो मूवमेंट होते हैं ये आपको डेली करना चाहिए। इसी तरीके से आपके फिंगर में भी एक्सटेंशन फ्लैक्शन एक्सटेंशन फ्लैक्शन एक्सटेंशन फ्लैक्शन एक्सटेंशन फ्लैक्शन, इस तरीके से अब आपको फिस्ट मूवमेंट करना है फिंगर के लिए। फिस्ट मूवमेंट भी आप कर सकते हैं 5 से 10-10 बार। इसे भी आप डेली लिविंग एक्टिविटी में ऐड करें। इसके बाद हम आते हैं हमारे सर्वाइकल के बाद अपर बॉडी पोस्चर पे। तो इसके लिए आप अपने हाथ को इस तरीके से यहां फिक्स करें, इसको यहां फिक्स करें और इसे आप हल्का सा रोटेट करें। मैक्सिमम ये होता है कि आपका अपर बैक का मूवमेंट नहीं हो पाता है कई बार, इसमें स्टिफनेस के कारण बहुत सारे आजकल पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिन्हें अपर बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये अपर बॉडी मूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम स्कैपुलर बोन पे, पीछे जो आपकी बैक साइड होती है। इसके लिए आपको नॉर्मली अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर रखना है और इस तरीके से पीछे लेकर आना है। ये मूवमेंट आपको इस तरीके से करना है। इसमें आपके स्कैपुलर बोन का मूवमेंट भी होगा और आपके अपर बैक की मसल्स भी इन्वॉल्व होगी। इसके बाद हम आते हैं लोअर बॉडी पे। लोअर बॉडी में आपके लोअर बैक के लिए आप इस तरीके से बैठ जाएं और इस तरीके से घुटनों को मोड़ लें और अपने घुटनों को मोड़कर इस साइड लेकर जाएं और नेक को आपको अपोजिट साइड इस तरीके से लेकर जाना है और ऐसे कि ऐसे आपको अपोजिट साइड इस तरीके से। ये भी आप कम से कम एक बार जरूर करें दिन में। आप एक या दो बार ब्रीजिंग कर सकते हैं नॉर्मली इस तरीके से लेटकर, अप मूवमेंट करें और डाउन, इसे भी आप एक बार जरूर करें। इसके बाद हम बात करेंगे बैक एक्सटेंशन की, जिसे हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। तो इसमें आप इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें भी आपका लोअर बैक स्ट्रेच होगा और इस तरीके से अगेन इसको स्ट्रेच और डन। इसे भी आप एक बार जरूर करें। इस तरीके से बैठ जाएं, बैठ करके अपने अंगूठों को छूने की कोशिश करें और नेक को नीचे की तरफ करें। आपके बैक में और थाइस में काफ़ी स्ट्रेच फील होगा। इसे भी आप कम से कम एक बार ज़रूर करें। इस चीज़ को जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या क्रोनिक बैक पेन की प्रॉब्लम है उन लोगों को फॉरवर्ड फ्लेक्शन नहीं करना है। इसके बाद हम आते हैं हिप मूवमेंट में। हिप में आपका नॉर्मली नी टू चेस्ट होता है, इसमें आपका हिप स्ट्रेच होगा। तो नॉर्मली आप सिटिंग पोस्चर में भी इस तरीके से कर सकते हैं और इसे आप लेट कर भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने कई एक्सरसाइज में आपको नी टू चेस्ट बताया हुआ है इस तरीके से। इसके बाद नॉर्मली आप बैक साइड से भी थाई को स्ट्रेच करें इस तरीके से, नी जॉइंट पे स्ट्रेच करना है एक एक बार। ये भी आप करें एक बार, इस स्ट्रेच को कर लें। इसके बाद एंकल में आपको एंकल टो मूवमेंट भी करना है। एंकल टो मूवमेंट के लिए आपको पूरे पंजों को आगे की तरफ लेकर जाना है, पूरे पंजे पीछे की तरफ लेकर आएंगे, फिर से आगे की तरफ और फिर से पीछे की तरफ, जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेच करते हुए आगे और पीछे। इसे आप 5 से 10 बार कर लेंगे तो भी काफ़ी है। फिर अपने एंकल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी ज़रूर घुमाएं। उसके बाद अपनी पैरों के फिंगर मूवमेंट को भी आप 5 से 10 बार ज़रूर कर लें, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। उसके बाद अपने पैर को भी घुटने को मोड़ करके इस तरीके से हल्का सा इधर स्ट्रेच करें और इस वाले पैर को इस तरीके से इधर स्ट्रेच करें। इसके बाद इस तरीके से इधर क्रॉस करके इधर पैर स्ट्रेच करें और ऐसे किए से इस साइड से इधर। इसके बाद आप बैक एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने हाथों को कमर पे रखना है और पीछे की साइड इस तरीके से स्ट्रेच करना है। इसे आप साइड पोर्शन से भी देख सकते हैं। नॉर्मली इस तरीके से आपको स्ट्रेच कर खड़े हो जाना, अपने हाथों को कमर पे रखना और इस तरीके से पीछे की साइड स्ट्रेच करना है। ऐसे कि ऐसे आप लैटरल साइड भी स्ट्रेच कर सकते हैं जितना हो सके और ऐसे कि से अपोजिट साइड। नॉर्मली अपने हाथों को इस तरीके से आप फिक्स कर लें, इस वाले हाथ से आप अपने इस हाथ को ग्रिप करें, इस तरीके से रखें और इसको अपोजिट साइड स्ट्रेच करें। अपने हाथ को खींचते हुए को इस साइड ग्रिप करें और इसको अपोजिट साइड स्ट्रेच करें।
तो ये थे फ्रेंड्स कुछ एक्टिव पैसिव मूवमेंट ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए। इसके साथ बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है, बट इन बेसिक एक्सरसाइज को कम से कम आप दिन में एक बार जरूर करें ताकि आपके फुल रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट हो और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ज्वाइंट की मोबिलिटी भी मेंटेन रहे ताकि आपको ज्वाइंट में मैकेनिकल टाइप की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आई होगी। ये जो एक्सरसाइज है ये हर एज का व्यक्ति कर सकता है और दिन में कम से कम एक एक बार इन एक्सरसाइज को भी किया जाए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, और इन एक्सरसाइज को आप मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।